Hello and welcome to this special discussion on the government's announcement that multidimensional poverty in the country in the last 9 years, from 2013 to 2022-23, has been reduced by 250 million people. The government has claimed, नीति आयोग ने दावा किया है कि 25 करोड़ तकरीबन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, जिसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपकी जो एजुकेशनल स्टेटस, हेल्थ स्टेटस, तीनों को जोड़ के ये देखा जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जिसे कहते हैं। ये तीनों पैरामीटर्स को लेके करीब 25 करोड़ लोग पॉवर्टी लेवल से ऊपर उठ गए हैं। अब ये जो दावा जो सरकार ने किया, इसको कई जाने माने अर्थशास्त्रियों ने इसमें सवाल उठाए, बहुत सीरियस सवाल उठाए, क्योंकि उसके कई कारण हैं और क्या मेथडोलॉजी सरकार ने अडॉप्ट करी है, किस तरीके से सरकार ने ये आंकड़े पेश किए हैं। तो इसी को डिस्कस करने के लिए I have invited Professor Santosh Mehrotra, a very leading, foremost economist who has been studying poverty and employment very closely. इन्होंने बहुत ही पैनी नजर रखी है employment और poverty data पे पिछले 25-30 साल से, और ये पहले Planning Commission में भी रहे हैं और वहाँ भी उन्होंने बहुत काम किया है इस पे, इसके आंकड़ों पे, और हाल ही में पिछले कई सालों में उन्होंने बहुत लिखा भी है इस पे। तो संतोष, प्रोफेसर मेहरोत्रा, स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। तो आप पहले हमें ये बताइए कि जो ये सरकार का जो क्लेम है नीति आयोग का कि तकरीबन 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से ऊपर उठ के आ गए हैं, और इस क्लेम में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम यह है जो आपने भी वायर में, जो आपका जो लेख है वायर में आज छपा है, उसमें आपने लिखा है इन्होंने प्री कोविड पीरियड के जो इम्प्रूवमेंट्स हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ स्टेटस और एजुकेशनल स्टेटस, उसको इन्होंने उसी को पोस्ट कोविड पीरियड में एक्सट्रापोलेट करके उसको ट्रांसफर कर दिया है। इसका मतलब पोस्ट कोविड हमारे पास सही कोई डेटा नहीं है, 2020 का कोई आंकड़ा नहीं है, 21 का आंकड़ा नहीं है, पर इन्होंने जो पहले के जो उपलब्धियां हैं उसको पोस्ट कोविड में उसको उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, जिससे आपको बड़ी आपत्ति, आपके लेख में मैंने पढ़ा। और कुछ हद तक इन्होंने यूपीए सरकार के टाइम पे जो उपलब्धियां हुई है उसको भी 2015 और 2016 में जब इनकी सरकार आई थी तभी के भी आंकड़े कुछ इनके पास नहीं है, तो वो यूपीए सरकार के आंकड़ों को उन्होंने 15-16 में उसको कन्वर्ट करके उन्हीं आंकड़ों को एक एक्सट्रापोलेट करके आगे बढ़ाया। तो आपने अपने ये सारी चीज अपने लेख में लिखा है, तो थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि ये क्या प्रॉब्लम क्या है। पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके श्रोताओं को, नमस्कार आपको, नमस्कार वेणु। देखिए, ये जो बहुआयामी गरीबी है जिसको अंग्रेजी में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहा जा रहा है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। UNDP जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट छापता है उसमें एक MPI, इसको हम MPI कहते हैं, ना कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, वरना बड़ा माउथफुल लगता है, बोलने में भी दिक्कत होती है। तो what we have to remember is first of all that this is not the same poverty as the consumption based poverty that we have been estimating for decades since the Planning Commission and the country came into existence. ये बहुत जरूरी है हमारे श्रोताओं को समझना कि ये जो बहुआयामी और या गरीबी है या MPI है, ये एक नया तरीका है जो भारत की नीति आयोग ने अपना लिया है। तो मोटी बात पहले यह समझना आवश्यक है कि असलियत में गरीबी दुनिया भर में मापी जाती है या नापी जाती है कंजम्पशन या खपत, जो आम आदमी की खपत होती है इंडिविजुअल कंजम्पशन के आधार पे नापी जाती है। और हमें यह मालूम है कि उसके आधार पे आखिरी आंकड़े जो भारत के पास हैं वो 2012 के हैं। हमें ये मालूम है कि 2004 और 2012 के बीच में हमारी जो विकास दर थी वो बड़ी तेजी से बढ़ी थी, 8% की दर से बढ़ी थी उन पूरे 10 साल में, जिसकी वजह से इनकम पॉवर्टी या कंजम्पशन पॉवर्टी जबरदस्त तौर से गिरी थी। और हमारे देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि लोग इनकम या कंजम्पशन पॉवर्टी लाइन से ऊपर इतनी मात्रा में उठे थे कि उनकी संख्या 14 करोड़ कम हो गई थी। अच्छा, तब कभी ये एमपीआई का आंकड़ा नहीं इस्तेमाल होता था और ये एक डिफेक्टिव मेथोडोलॉजी पर बेस्ड एक अटेम्प्ट है, एक ऑल्टरनेटिव एस्टिमेट बनाने का। ये जैसे मैं आपको पहले बताया, यूएनडीपी ने इजाद किया, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में छपने लगा पिछले 10 सालों में, और पिछले कुछ सालों में भारत ने भी इसको अपना लिया है, नीति आयोग ने अपना लिया है, भारत सरकार ने अपना लिया है। क्यों अपना लिया है संतोष जी? मैं अभी आपके सवाल लेता हूं। मैं क्यों अपना लिया है ये भी समझना आपके श्रोताओं का आवश्यक है, क्योंकि इस सरकार ने कंजम्पशन पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए जो सर्वे हुआ करते थे, 2012 में आखिरी हुआ था वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 10 जो एक हुआ 17-18 में, उसको खारिज कर दिया और अब एक 22-23 में हो रहा है, फिर 23-24 में हो रहा है। वो उसके आंकड़े करीब 2025 में आएंगे तो आएंगे और वो भी कंपेरेबल नहीं होंगे 2012 से, तो हमें पता ही नहीं चलने वाला कि कंजम्पशन पॉवर्टी के संग क्या हुआ है। तो ये बड़ी दिक्कत की स्थिति है। अब आप सवाल पूछें अपना। हाँ, उसको ये बात तो आपकी समझ में आ रही कि कंजम्पशन पॉवर्टी, कंजम्पशन के आधार पे ही पहले पॉवर्टी का आकलन होता था, मगर जब दुनिया भर में या जब यूनाइटेड नेशंस ने ये नया शुरू किया तो उसमें भी एक मेथोडोलॉजी फॉलो की गई। मेरा आपसे सवाल ये है कि उसको भी अगर ढंग से अगर करते तो एक आकलन हो सकता था, मगर इन्होंने यूएनडीपी का जो सिस्टम है उसको किस तरह तोड़ा मरोड़ा, हम इस पे जरा चर्चा करें, क्योंकि बिल्कुल जी उसपे है कि यूएनडीपी के सिस्टम को किस तरह तोड़ मरोड़ किया गया। जी जी, तो पहली बात तो ये कि यूएन के जो इंडिकेटर्स हैं इस एमपीआई को एस्टिमेट करने के लिए, वो 10 इंडिकेटर्स हैं। भारत सरकार में उसने उन 10 इंडिकेटर्स की लिस्ट में 2 अपने जोड़ दिए, 2 अपने ऐसे जोड़े जिसमें हमें मालूम है कि भारत में सुधार हुआ है। अब जैसे ऐसी माएँ, कौन से इंडिकेटर्स हैं? मैं आया, एक तो कि बैंक अकाउंट कितने परिवारों के पास है। अब बैंक अकाउंट में तो पिछले 6-7 साल में काफी सुधार हुआ है, तो एक तो वो जोड़ दिया इन्होंने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाले में, और एक हेल्थ वाले में उन्होंने ये जोड़ दिया कि कितने माओं की जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो इंस्टीट्यूशंस में हो रहे हैं, यानी कि अस्पताल में हो रहे हैं, ना कि घर पे हो रहे हैं। ठीक है, अब ये तो हमें मालूम है कि अधिकतर 80% से अधिक माएँ अपने बच्चों को जन्म अस्पतालों या मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में दे रही हैं। वो जमाने लद गए कि इंस्टीट्यूशन में नहीं होता था, घर में बच्चा होता था। तो इन 2 वजहों से जो हमारे देश में वैसे ही बेहतर थे और कुछ इस सरकार ने थोड़ा ज्यादा काम किया, उस पे इनको जोड़ करके एमपीआई में अधिक सुधार दिखाती है सरकार। पहले ठीक है, तो दो बड़ी बात ये मान के चले कि इन्होंने जोड़ा है जो जहाँ पे इनकी उपलब्धि नहीं भाई वो ठीक है, मगर उसके बाद भी जो आपने जो लिखा है लेख में कि जो कोविड से पहले की जो उपलब्धियां हैं उसको इन्होंने कोविड के बाद वाले में 20 में जो 20 और 21 में कोविड के बाद जो स्वास्थ्य में, शिक्षा में और लोगों की इनकम्स में जो जो मार पड़ी है उसका इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, ये आपने लिखा है। बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। तो पहला इन्होंने खेल खेला, ये जो कल परसों में आंकड़े इन्होंने जारी किए हैं, पहला खेल ये खेला कि 2015-16 तक के आंकड़े हमारे पास थे। अब ये सरकार तो आई है मई 2014 में, तो 2005-6 और 15-16 के बीच में जो हमारे पास जबरदस्त सुधार हुआ था उन सारे मानकों में जो एमपीआई में इस्तेमाल होते हैं, उसको उन सुधारों को इन्होंने अपने सुधार में अपनी अचीवमेंट में जोड़ लिया। अरे भाई 2 साल बीत गए थे आपकी सरकार को, मगर वो आंकड़े एक ट्रेंड में चले आ रहे थे और उनके आंकड़े हमारे पास 15-16 तक के थे। वो उसके अधिकतर जो अचीवमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पिछली सरकार की थी, न कि इस सरकार की। तो इन्होंने बस उनके आखिरी 2 साल के एक ट्रेंड बना लिया, क्योंकि ट्रेंड का कोई आधार नहीं है। उन्होंने बस सोच लिया कि अच्छा 5-6 और 15-16 के बीच में जो 2 पॉइंट्स पे चेंज हुआ उसकी एक कंपाउंड ग्रोथ रेट के निकाल ली और आखिरी 2 साल के कंपाउंड ग्रोथ रेट का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने 14 से शुरू कर दिया। इसका कोई खास मत, ये तो टेक्निकली बड़ा फ्लॉट तरीका है। तो पहली तो दिक्कत ये थी। फिर दूसरी वो ज्यादा बड़ी दिक्कत वो ये थी कि 9 साल का दिखाना था इन्हें 14 से 23 तक का, मगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो इस एमपीआई को एस्टिमेट करने का आधार है, वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एक तो 2019 में हुआ, फिर वो रुक गया, साल भर के लिए रुका रहा लगभग, कोविड आ गया इस वजह से, और फिर 2021 में बाकी राज्यों में हुआ, 2019 में 22 राज्यों के लिए हुआ और बकाया राज्यों में लगभग आधे राज्य और यूनियन टेरिटरीज में वो 2021 में होता है, मगर फिर भी बच रहे 22 और 23 के वर्ष। तो इन्होंने उन स्टेट्स के लिए 2019 के आंकड़े उन्होंने प्रोजेक्ट कर दिए ग्रोथ रेट इस्तेमाल करते हुए 15-16 से 19 तक के, मतलब 20 के लिए, 21 के लिए, 22 के लिए, 23 के लिए, 4 साल के लिए इन्होंने प्रोजेक्ट कर लिए। और उसके अलावा जो उन स्टेट्स में जहां पर इन्होंने आंकड़े इकट्ठा किए थे 21 में, वही आंकड़े इन्होंने प्रोजेक्ट कर दिए 22 और 23 के लिए। ये तो बिल्कुल आधारहीन बात है। ये कहना इसके बराबर हो गई बात। ये अगर ये आप ये करते हैं तो ये आप कह रहे हैं कि अगर हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट जो विकास दर है वो जो 2019 में तक थी, पिछले 19 तक 5 साल से 19 से 5 साल पहले तक, वही ग्रोथ रेट 20 में भी रही, 21 में, 22 में, 23 में सारी रही। इसका मतलब संजय एक मिनट, मैं थोड़ा विस्तार से मैं अपने श्रोताओं को समझाऊंगा। आप ये कह रहे हैं कि जो जीडीपी ग्रोथ अगर 2014 से 19 तक रही, जैसे 7-7.5% रही, 8%, उसी को इन्होंने अगले 4 साल में उसको प्रोजेक्ट कर दिया, उसी जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्ट कर दिया, एक्सट्रैपोलेट कर दिया जैसे अंग्रेजी में। जबकि असलियत यह है कि 2019-20 और 2022-23 के बीच में जीडीपी ग्रोथ मात्र 4% रहा है। ये सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जिन वजहों से जाहिर है सारे जो सामाजिक मानक हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हों या शिक्षा से संबंधित हों या और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से संबंधित हों, सुविधाओं से संबंधित हों, उन सब पे असर आया। अब मैं उदाहरण देता हूं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे 2 साल, जब स्कूल नहीं जाएंगे तो बच्चे कहीं सीखेंगे क्या? तो अब एक इसमें मानक है एमपीआई को एस्टिमेट करने के लिए, स्कूल अटेंडेंस। अरे स्कूल अटेंडेंस ही नहीं हुई 2020 में और 21 में और 22 के कुछ भाग में, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि 19 तक जो अटेंडेंस थी वही अटेंडेंस रही 20, 21, 22, 23, 24 सब में, 23 में? ये साफ बिल्कुल बेमतलब बात है। उसी तरीके से जो स्वास्थ्य सेवाओं पे असर आया, कोविड एक बड़ा भयंकर दुनियाव्यापी विश्वव्यापी एक शॉक था लोगों के स्वास्थ्य पर। हमारे देश में लगभग 4.5 करोड़ लोग 45 लाख लोगों की डेथ हुई है। जब सरकार कहती है कि सिर्फ 4.5 लाख लोगों की डेथ हुई है, मगर सारे जो इंडिपेंडेंट स्टडीज हैं वो कहते हैं कि 45 लाख लोगों की डेथ हुई है कोविड, सिर्फ कोविड में एक्सेस डेथ्स। अब जाहिर है बाकी लोग जिनकी डेथ नहीं भी हुई, पहली चीज तो मोर्टेलिटी बढ़ गई, मगर जो बाकी जिनकी डेथ भी नहीं हुई वो बीमार ज्यादा रहे। अरे तो आप ये सोच करके चल रहे हैं कि 2019 में जो स्वास्थ्य सेवाएं थी और स्वास्थ्य का हाल था लोगों की हेल्थ स्टेटस का, वही 20 और 21, 22, 23 सब में बराबर रहा। ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल। संतोष जी यहाँ पे मैं एक और बात कहूंगा, यहाँ पे कई रिसर्च और देशों में हुई है जो हिंदुस्तान में नहीं हुआ, बता रही कि कोविड के बाद कोविड रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगले 2-3 साल लोगों को बहुत रही हैं और कई किस्म की प्रॉब्लम्स रही हैं। यहाँ पे अभी तक कोई ना सर्वे हुआ है ना कोई रिसर्च हुआ है। और अब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो 2019 में जो स्वास्थ्य का जो स्टेटस था वो अगले 4 साल वही चल रहा है। तो मतलब ये भी, जैसे आपने बताया स्कूल अटेंडेंस की तरह, उसकी तरह ये भी बिल्कुल बेमानी बात है ये। मतलब मैं अपने स्वास्थ्य के हाल से आपको बता सकता हूं कि पिछले 3 साल में मेरा कोविड होने और वैक्सीन लगने, तीन वैक्सीन मैंने लगवाई, हर बार रिएक्शन जबरदस्त हुआ मुझे वैक्सीन का, जिनकी वजह से मुझे और कॉम्प्लिकेशंस हेल्थ में हुए, जिनकी वजह से मेरे अपने स्वास्थ्य में गिरावट आई, मेरा वजन 10 किलो घट गया। ये क्यों हुआ? एकदम से कैसे हो गया? जबकि मैं 40 साल से वही 60 किलो हुआ करता था, वो एकदम से 10 किलो 11 किलो घटता है 2-3 साल के अंदर। आप ये कह रहे हैं कि अगर इनके आंकड़े लेके चले तो आपका जो स्वास्थ्य का स्टेटस 19 में था वही 20-21 बना हुआ, वही है इनके हिसाब से वही बना हुआ। और मैं अपने जीवन में देख रहा हूँ कि वो ऐसी बात असलियत में नहीं है। तो और देश भर में मैं न जाने कितने लोगों को देख सकता हूं, आप देख सकते हैं, आप न जाने कितने लोगों को जानते होंगे जिनके स्वास्थ्य पे दूरगामी असर आया है। दूरगामी असर आया, वो सिर्फ कि बीमार हुए, ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए, वैसा ऐसा है ही नहीं। आपको न जाने कितने लोग ऐसे मिलेंगे जिनके स्वास्थ्य पे भयंकर असर आया है और असर रहा है। उसका कारण भी है भाई, ये एकमात्र एक तरीके की ये डिजीज थी जो आई और गनीमत है कि उस पे हमने काबू पा लिया। और संतोष जी इसमें आप जो बात कह रहे हैं इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग, इसमें कुछ और इंटरेस्टिंग डेटा पेश किया है डॉक्टरों ने। एक कार्डियोलॉजिस्ट, बड़े वेल नोन कार्डियोलॉजिस्ट है, उनका मैंने एक टीवी प्रोग्राम में देखा था, डॉक्टर नटराजन करके, बड़े अच्छे, वो वायर में भी पहले उन्होंने काफी प्रोग्राम किया। वो कह रहे थे कि कोविड, प्री कोविड पीरियड के तुलना में पोस्ट कोविड पिछले 2-3 साल में जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो उसमें करीब 50% बढ़ोतरी आई है। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसका कोविड से सीधा लेना देना है, मगर इस पे कोई रिसर्च नहीं हुआ। तो वो भी मतलब आपके इस आर्गुमेंट में वो भी फिट होता है। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा मैं इसी से मिलती जुलती कुछ और चीजें आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके। इससे पहले सुनील भाई एक और बात, आपने एजुकेशन की बात करी जो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स का एक बड़ा एक भाग है, हेल्थ की बात करी आपने अभी। अब तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। संतोष जी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप देखें तो 2019 का अगर आंकड़ा आप इनफॉर्मल जो इकोनॉमी, जिसको कई सर्वेज बता रही हैं जिनको बड़ा झटका लगा कोविड के बाद और वो रिकवर नहीं हुई है, और अभी भी लोग कह रहे हैं कि इनफॉर्मल इकोनॉमी पिछड़ा हुआ है और जो जीडीपी ग्रोथ वगैरह आ रहा है वो केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर और टॉप कॉर्पोरेट सेक्टर के ग्रोथ से उसका और सरकारी सर्विसेज सेक्टर ग्रोथ से ही जीडीपी की बढ़ोतरी दिखाई जा रही है। तो वो भी फिर गलत होगा। इनफॉर्मल इकोनॉमी, ये कहना कि जो इनफॉर्मल इकोनॉमी 2019 में थी वही इम्प्रूवमेंट अगर आप यहाँ पे भी 22-23 में देखें तो इनकम का डेटा भी तो बिल्कुल क्वेश्चनेबल हो जाता है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इनकम का डेटा बहुत क्वेश्चनेबल हो गया है। हमें मालूम है कि 2016 के नोटबंदी के बाद 2017 की बेतरतीब, एकदम से बिना सही प्लानिंग के जीएसटी को लागू करने के बाद, और फिर 2020 के मार्च में जो कोविड का लॉकडाउन, एकदम से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू किया गया, इन तीनों चीजों से जो असंगठित क्षेत्र है उस पे बहुत रोजगार और उनकी इकाइयों पे आघात हुआ और रोजगार गया और रोजगार बढ़ना बंद हो गया। खासतौर से मैन्युफैक्चरिंग में वो असर आया और कई सर्विसेज बहुत सीवियरली इम्पैक्टेड थी। मतलब जो संगठित क्षेत्र था वो फिर भी ठीक ठाक चल रहा था, मगर असंगठित क्षेत्र में बहुत बेरोजगारी बढ़ी। करोड़ों की संख्या में लोग वापस कृषि में गए। इन सब कारणों से असमानताएं हमारे देश में, विषमताएं हमारे देश में बढ़ी हैं। जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनके प्रॉफिट्स बढ़े और जो छोटी इकाइयां हैं उनमें आमदनी और रोजगार दोनों कम हुआ। इन सब वजहों से अगर आप ये पाएंगे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 50% लोगों का, जो नीचे वाले 50% लोग हैं उनका अगर गिरा है तो क्या ताज्जुब की बात है। बिल्कुल आप मतलब तार्किक बात कर रहे होंगे। मगर ये जिस तरह ये आंकड़े पेश कर रहे हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो नीति आयोग ने जारी किया है उसमें, तो ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो 19 में जो उससे पहले की जो इम्प्रूवमेंट थी वही इम्प्रूवमेंट इनकम में चली आ रही है अगले कई सालों में। बिल्कुल। और संतोष जी, आपने एक और लेख लिखा था वायर के लिए, मैं अपने श्रोताओं का ध्यान उसकी तरफ लाना चाहूंगा। लिंक लगा दी। इन्होंने अपना एक, सरकार ने जो पीरियोडिक लेबर फोर्स का जो एक कुछ आंकड़े दिए थे कुछ 1-2 महीने पहले, आपको याद होगा 2022-23 के आंकड़े थे। 17-18 से 22-23 के इन्होंने आंकड़े जारी किए थे। उसमें आपने सरकार के ही आंकड़ों का आकलन करके आपने ये बताया था कि जो एम्प्लॉयमेंट, जो रोजगार जो लोगों को मिला है पिछले 5 साल में, आपने ये दिखाया कि जो बिना पैसे के अनपेड वर्कर, जैसे बिना पैसे लिए जो रोजगार, जो लोगों का एम्प्लॉयमेंट दिखाया गया है, जो रोजगार मिला है बिना पैसे लिए एंटरप्राइज में, जो अपने घर के काम में जुड़े हुए थे, वो 40 मिलियन से 95 मिलियन बढ़ के डबल हुआ है। डबल। तो अगर अनपेड वर्कर्स अगर 4 करोड़ से 9.5 करोड़ हो गए हो तो बिल्कुल, फिर आप इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि इनकम लेवल बढ़ी है, एवरेज इनकम लेवल तो फरमा रहे हैं। तो यही तो विडंबना है। देखिए, PLFS ये हमको बता रहा है, क्योंकि सामने से तो ऐसा लग रहा है कि अरे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, वर्कर पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और जो बेरोजगारी दर है वो कम हो रही है। मगर ये ऐसा क्यों हो रहा है? असलियत में क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि जो लोग, जिनके पास रेगुलर काम था, रोज का काम था और उनको एक महीने में एक बार तनख्वाह मिलती थी, वो रेगुलर वर्क छूटा उनका। जाहिर है जैसे हम चर्चा कर रहे थे असंगठित क्षेत्र में बहुत रोजगार इस प्रकार का था, जिस वो काम छूटा और वो लोग जाकर के स्वरोजगारी बन गए, सेल्फ एम्प्लॉयड बन गए। उनमें से कुछ ऐसे जो ऑन अकाउंट कुछ करना शुरू कर दिया, कुछ काम शुरू कर दिया अपने आप, और कुछ ऐसा हुआ कि लोग जैसे मतलब नीचे तबके के लोग, उनको काम नहीं मिला, या जो गांव वापस चले गए उनको जाहिर है काम नहीं मिलने की संभावना है। उन्होंने कुछ तो मनरेगा में काम किया, या मनरेगा में जब काम नहीं मिलता है, हर समय तो मनरेगा में काम नहीं मिलता है और खेती में भी काम नहीं मिल रहा, तो वो कुछ छोटी मोटी दुकान कर लिए या पकौड़ा बेच रहे होंगे। अब पकौड़ा बेचने में अगर अकेला बनाएगा नहीं, क्योंकि दिन भर के लिए बेचना है उसको पकौड़ा, तो वो अब पत्नी को भी लगा लेगा, बच्चों को लगा लेगा। तो ये अनपेड फैमिली लेबर का जो फिनोमिनन है और जो ऑन अकाउंट वर्कर का फिनोमिनन है, उसमें जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। तो यानी आप पाते हैं आंकड़ों के आधार पे कि 2016-17-18 में जो PLFS के अनुपात था सेल्फ एम्प्लॉयड का, स्वरोजगारी का, वो करीब 53% था। वो बढ़ करके अगले 6 साल में पहुंच गया 58%। जी 58% पहुंच गया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों को रोजगार, जो रेगुलर रोजगार है, वो मिल नहीं रहा। लोग बाहर आ रहे हैं, असंगठित क्षेत्र उतना ही खराब स्थिति में है जितना नोटबंदी के बाद से उसकी स्थिति बनी थी, और इस वजह से लोग कुछ कमाने भर के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और इस स्थिति में आप ये रहे हैं, 2 और चीजें मैं आपको बताऊं कि सेविंग्स रेट, हाउस होल्ड सेविंग्स रेट घटी है जीडीपी के तुलना में, और उसी के संग डेट जो है, हाउस होल्ड डेट की बढ़ोतरी हुई है। हाउस होल्ड डेट हमारे देश में बहुत ज्यादा नहीं हुआ करता था। लोग कुछ बैंकों से पैसे ले रहे हैं, मगर बहुत सा वो एनबीएफसी से, एमएफआई से पैसा ले रहे हैं। ये एक बड़ी दिक्कत की स्थिति है, क्योंकि कोई आसार दिख नहीं रहा कि रोजगार बढ़ने वाला है। तो इस वजह से ये इसमें तो संतोष जी, आप एक और सवाल, बड़ा अहम सवाल है, यूएनडीपी या जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है या यूएनडीपी है या आईएलओ है या वर्ल्ड बैंक है, जी जी, बिना पैसे लिए जो रोजगार में शामिल किए जा दिखाया जा रहा है, इसको वो रोजगार मानते हैं कि नहीं? मैंने आपके मैं बता रहा हूं, आपने कहा था कि इसको रोजगार नहीं मानते, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं नहीं मानती इनको रोजगार, जो बिना पैसे लिए अपने छोटे मोटे फैमिली के जो इसमें जुड़ जाते हैं, जो बिना पैसे। श्रम संबंधी जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है, अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसका नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। उसका 2013 में ये निर्णय हुआ था कि ये जो अनपेड फैमिली लेबर, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, वेनु आपने सही सवाल किया था, वो अनपेड फैमिली लेबर को वो एम्प्लॉयमेंट नहीं मानते। अब हम तो इसलिए हम जो PLFS, जो भारत सरकार का या नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का के जो सर्वे है, उसमें अनपेड फैमिली लेबर को आप एम्प्लॉयमेंट मान रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि बेरोजगारी कम हो रही है। असलियत में ये तो आपका ये गलत मेथोडोलॉजी है, ये गलत मेथोडोलॉजी है, हमारी मेथोडोलॉजी गलत है और ये भ्रामक है। ये भ्रम पैदा करती है कि लोगों के पास असलियत में रोजगार है, मगर असलियत में रोजगार नहीं है, क्योंकि उनको कुछ ये कह रहे हैं। संतोष जी, सीधी बात यह है कि जो इंडिया का जो एम्प्लॉयमेंट फिगर है, इसकी तुलना हम चाइना या इंडोनेशिया, ब्राजील और जो और देश है जो दूसरी जो अंतरराष्ट्रीय मेथोडोलॉजी फॉलो करती है, उनसे तुलना नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इसी वजह से मैं तो कई बार मजबूर हो जाता हूं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों को इस्तेमाल करने के लिए, जो बम्बई स्थित है और जो देशव्यापी हर 4 महीने पे पूरे देश का देशव्यापी सर्वे करती है और उसके आधार पे बेरोजगारी के आंकड़े हमको बताती है। और वो नहीं मानते जो उनके इंटरनेशनली कंप्लायंट हैं, आईएलओ कंप्लायंट हैं उनके डेफिनेशंस, तो वो ये जो अनपेड फैमिली लेबर है यानी कि बिना आमदनी हुए जो काम लोग कर रहे हैं उसको रोजगार नहीं मानते सीएमआई वाले, जैसे आईएलओ वाले नहीं मानते, मगर भारत सरकार और कई देश आप बताएं करीब 90-95 देश नहीं मानते उसको ना, बिल्कुल नहीं मानते। लगभग 100 देश हैं ऐसे जो नहीं मानते हैं। एक हमारा देश बिरला है जिसने अभी तक अपनी प्रणाली बदलने में कोताही करी है, बहुत देर कर दी है। हम लोग उनको सलाह देते रहे हैं मगर किसी भी तरीके से वो हमारी राय मानने को अभी तक तैयार नहीं हुई। तो आप ये जो सारी बातें जो हमने अभी तक करी हैं इनको अगर आप एक 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 कॉम्प्रिहेंसिव और एक व्यापक तरीके से देखें तो आप ये जो सरकार का जो दावा है कि 25 करोड़ लोगों को पिछले 9 साल में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से उठा दिया गया है, इसको आप नहीं विश्वास करते। इस पे कैसे विश्वास किया जाए? जितनी बात हमने पिछले आधे घंटे में की है वेनु, उससे ये साफ जाहिर होता है कि इसमें मेथडोलॉजिकली तकनीकी तौर से इतनी गलतियां हैं और उसके अलावा जो और हमारे पास तथ्य हैं जिनके बारे में हम पिछले 10 मिनट से बात कर रहे हैं रोजगार को लेकर के, उसके अतिरिक्त हम बात कर रहे थे असंगठित क्षेत्र पे जो में कमी आई, रोजगार में और आमदनी में कमी आई है। तो जिस तरीके संतोष जी क्या विकल्प क्या ये अब इन आंकड़ों को लेके हम आंकड़ों को सही रूप में सरकार मानने को तैयार हो। एक ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सरकार और गैर सरकारी इकोनॉमिस्ट और गैर सरकारी अर्थशास्त्रियों में क्यों है? होना ही नहीं चाहिए। मतलब साफ ये हो जाता है क्योंकि इस तरीके की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इतना मतभेद मैंने कभी भी किसी सरकार में नहीं पाया। मतलब मैं भी सरकार में पिछली सरकार में काम कर चुका हूँ, योजना आयोग में था। मतलब इस तरीके की मतलब बिल्कुल कॉन्फ्रंटेशनल रिलेशनशिप कभी नहीं रही नॉन गवर्नमेंट इकोनॉमिस्ट के संग। मगर ये तो इस समय तो बिल्कुल कॉन्फ्रंटेशन चल रहा है, जैसे कि वो अपनी पड़े हुए हैं जो सब लोग मानते हैं कि बेबुनियाद है। उनको स्वयं भी मानना चाहिए कि बेबुनियाद वो क्लेम्स कर रहे हैं और दावे कर रहे हैं, मगर वो किसी टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। तो देखिए इसका एक तो जब तक आप आंकड़ों पे एक सहमति नहीं बनेगी तब तक सरकार यही भ्रम फैलाती रहेगी। सरकार का सारा उद्देश्य अब ये लग रहा है कि हमें इलेक्शन किसी ना किसी तरीके से जीतना है, तो इस वजह से हमको एक माहौल बंदी करनी है और एक नैरेटिव बनाना है और मीडिया को इस नैरेटिव को बेचना है। और हमारा दरबारी मीडिया है वो उसको खरीदने के लिए तत्पर है, आतुर है। और ये तो आप जैसे कुछ यूट्यूब के चैनल्स हैं जहां पर इस तरीके की सच जैसी बातें हो सकती हैं, मगर वहां सच की बात करो तो 5 लोग आपके ऊपर चढ़ जाते हैं। ये बड़ी दुखद बात है। मैं संतोष जी मैं अब प्रोग्राम समय खत्म हो रहा है तो मैं वाइंड अप करूंगा, मगर एक बात कह के वाइंड अप करूंगा कि आपका जो लेख जो वायर में छपा है इस आंकड़ों को पे बड़े भारी सवाल उठाते हुए जो सरकार ने परसों जारी किया था, एक ट्विटर में एक रिस्पांस आया आपके आर्टिकल पे कि अगर वाकई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से इन्होंने 25 करोड़ लोगों को उठा दिया है और केवल बहुत ही कम मेरे ख्याल 10 या 11% पॉपुलेशन अभी बचा हुआ है जो पॉवर्टी में है, तो ये 80 करोड़ 85 करोड़ लोगों को फ्री राशन क्यों दे रहे हैं अगले 5 साल? बिल्कुल बिल्कुल ये अगर ये एक सच्चाई है तो दूसरी कौन सी वो सच है या ये सच है? क्योंकि दोनों में एक बहुत एक बहुत भारी एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि आप 80-85 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे 5 साल एक तरफ, दूसरी तरफ आप ये आंकड़े जारी करें कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी देश में तकरीबन खत्म है, बहुत कम बचा हुआ है। जी जी, ये एक आपके आर्टिकल पर रिस्पॉन्स है। इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम को खत्म करता हूँ। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का। इस पे हम और चर्चा आगे करेंगे। अभी बजट भी आ रहा है तो आपके पास बजट पे भी आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद आपको। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।